दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच में खेले गए पहले टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम जीते जीते मैच को बुरी तरीके से ड्रॉ करा बैठी और भारतीय टीम और कप्तान अजिंक्य रहाणे की कड़ी आलोचना हो रही है इस पर, जिस पर सभी अब भारतीय टीम के बेहतरीन खिलाड़ी शिखर धवन ने बयान देते हुए कुछ ऐसा कह दिया, जिस पर उन्होंने अजिंक्य रहाणे की कप्तानी पर सवाल उठाए और यहां तक कह दिया कि उनको भारतीय टीम की कप्तानी संभालनी नहीं आती है। चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं क्या कहा अजिंक्य रहाणे ने भारतीय टीम के पहले टेस्ट मुकाबले के बारे में। लेकिन उससे पहले, आप सभी को क्या लगता है कि भारत और न्यूजीलैंड में कौन सी टीम इस श्रृंखला को जीतने में कामयाब हो पाएगी? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच में खेले गए पहले टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम ने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है इस मुकाबले को जीतने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय टीम इस मुकाबले को जीतने में कामयाबी प्राप्त न कर सकी। दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय टीम पहला टेस्ट मुकाबला कई बड़े बड़े अनुभवी खिलाड़ियों की गैर मौजूदगी में खेल रही थी, जिसमें सबसे बड़ा नाम विराट कोहली का आता है, जो पहले टेस्ट मुकाबले के लिए आराम ले रहे थे, इसीलिए उनकी गैर मौजूदगी में भारतीय टीम की कप्तानी का दारोमदार अजिंक्य रहाणे के कंधों पर था। अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में भारतीय टीम ने वैसे भी कई बड़े मुकाबले जीते हैं, लेकिन इस अहम मुकाबले में भारतीय टीम जीत हासिल करने से महज एक कदम दूर रह गई, जिसके बाद भारतीय टीम और अजिंक्य रहाणे की कप्तानी पर कई बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों अजिंक्य रहाणे ने इस मुकाबले के दौरान काफी ज्यादा गलत फैसले लिए थे, जो कि भारतीय टीम के पक्ष में बिल्कुल भी सही नहीं गए और यहां तक कि उनके द्वारा लिए गए रिव्यू भी इतने ज्यादा गलत वक्त पर लिए गए जब उनकी लेने की कोई जरूरत नहीं थी। यहां तक कि उनके कप्तानी के साथ साथ बल्लेबाजी भी उनकी इस मुकाबले में बहुत ज्यादा निराशाजनक रही थी, इसीलिए उनके इस खराब प्रदर्शन को देखकर सभी खिलाड़ियों को भारतीय टीम के बेहतरीन खिलाड़ी जैसे कि रोहित शर्मा की काफी ज्यादा कमी खली, जिस पर भारतीय टीम के बेहतरीन खिलाड़ी शिखर धवन ने बयान देते हुए कुछ ऐसा कह दिया जिससे आप सभी के होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि शिखर धवन ने अपने बयान में कहा है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच में खेले गए पहले टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम ने शानदार और अनुभवी खिलाड़ियों की गैर मौजूदगी में बेहद ही जबरदस्त खेल का प्रदर्शन करके दिखाया, जिसकी वजह से हमारी भारत की टीम कुछ ज्यादा ही न्यूजीलैंड को टक्कर देने में कामयाबी प्राप्त कर पाई थी, लेकिन कई पक्ष ऐसे भी रहे जो पूरी तरीके से निराशाजनक रहे। इसमें सबसे बड़ा नाम आता है अजिंक्य रहाणे की कप्तानी का। अजिंक्य रहाणे ने इस मुकाबले में बेहद ही निराशाजनक कप्तानी का प्रदर्शन करके दिखाया। उनके द्वारा जो कप्तानी की गई वो बेहद ही वर्ल्ड चैंपियन टीम के कप्तान के द्वारा नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने कई गलत DRS लिए और यहां तक कि गेंदबाजी में भी वो इतनी बेहतरीन तब्दीली करते हुए नजर नहीं आ सके, जिसकी वजह से भारतीय टीम इस मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम पर दबाव बनाकर रख नहीं पाई और उन्हें ऐसा लगता है कि विराट कोहली की गैर मौजूदगी में अजिंक्य रहाणे को भारतीय टीम की कप्तानी संभालने का मौका नहीं देना चाहिए, क्योंकि अब उनका समय हो चुका है। वो जितना खराब प्रदर्शन बल्लेबाजी में कर रहे हैं उससे कई गुना खराब प्रदर्शन वो कप्तानी में करके दिखा रहे हैं, इसीलिए भारतीय टीम न्यूजीलैंड की टीम को धराशायी करने में कामयाबी प्राप्त नहीं कर पाई। उन्हें लगता है कि विराट कोहली कोई मुकाबला नहीं खेलते हैं तो रोज को भारतीय टीम का कप्तान बनाना चाहिए, क्योंकि रोहित शर्मा भारतीय टीम के सबसे सफल कप्तानों में से एक होने वाले हैं। वो उन्होंने हाल ही में T20 श्रृंखला में इतनी शानदार कप्तानी का प्रदर्शन करके दिखाया, जिसकी वजह से हमारी टीम भारतीय टीम न्यूजीलैंड को 3-0 से हराने में कामयाबी प्राप्त कर पाई है और उन्हें लगता है कि रोहित शर्मा को हमेशा भारतीय टीम की कप्तानी विराट कोहली की गैर मौजूदगी में संभालनी चाहिए, क्योंकि वो अजिंक्य रहाणे के मुकाबले काफी ज्यादा काबिल कप्तान है और इसीलिए वो भारतीय टीम को वर्ल्ड चैंपियन बनाने की क्षमता रखते हैं। लेकिन दोस्तों, शिखर धवन के बयान को सुनकर आप सभी को क्या लगता है कि क्या विराट कोहली की गैर मौजूदगी में रोहित शर्मा को कप्तान बनाया जाना चाहिए या फिर नहीं? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।